हमें क्या नाम है आपको? पूरा नाम रोमन नाम बताओ। कितने दाई तुमने? 8,000। जब तुम गंगा उठा के कैसे कर दोगे? तो भैया विधायक जी के सामने गंगा जल सिर पर उठाने वाले ये कल्लन अपने गांव में ही घिर गए हैं। इन्होंने अपने गांव के सरपंच के खिलाफ आवाज उठाई थी, आरोप लगाया था कि सरपंच ने रिश्वत ली है। उस वक्त तो दबंग विधायक रामबाई गांव में मौजूद थी, लिहाजा विधायक जी ने रिश्वत के पैसे वापस करा दिए। लेकिन जैसे ही विधायक जी गांव से रवाना हुए, ये कल्लन महाशय सरपंच के लपेटे में आ गए। आरोप है कि सरपंच ने इनके घर जो नल जल योजना के तहत पानी की सप्लाई होती थी उसे बंद करा दिया है। हम दो को पला है यार, नहीं जा रहा हूँ। पूरे आदमी नहीं हो, हम तो जा नहीं रहा। तो हैंडपंप से क्यों घर में नहीं आता पानी? घर में नहीं आता, क्या समस्या होगी? बंद कर दो पानी, तीन दिन से पानी नहीं। हम तो आधो को पला जा रहा है। किसने बंद करा दिया? सरपंच ने। कल्लन आज भी दावा कर रहे हैं कि सरपंच ने पीएम आवास के लिए पैसे लिए थे, लेकिन पीएम आवास उन्हें नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने इसकी शिकायत विधायक रामबाई से की थी, जिसके बाद रामबाई ने पैसे वापस कराए। जी भैया बताओ, गंगा उठावे वाले भैया हमारे बड़े भैया दिया 8,000 रुपया सरपंच हूँ कुटी के लिए। अच्छा भी कहना सरपंच हम कुटी दे हल्लू भाई, तुम 8,000 रुपया दो हमें, इनने 8,000 रुपया दे रहा है। अच्छा जी गाय 3-4-6 महीना मांग भी हूँ तो इनने कहीं सुरंत सिंह वोट दिए तुमने, ये घर पे जाओ हमसे दूर रहो मत से, एक बार तुमने जा कही। अच्छा फिर अबे आई राम भाई देगा पैसा ले भी हूँ तो तब ना उनने कई पैसों की राम भाई से तो कही क्या ठीक है तुम्हें कब आता है? फिर ने कही गंगा उठाओ, भैया ने गंगा उठा दी कि 8,000 रुपया हमें कुमार सिंह को दिया है। माने राम भाई से कही हल्लू ने कही है। और कितने लोगों ने गंगा उठाई? और कम से कम 25-30 आदमी गंगा उठाई ऐसे भाई, सब 50-60 आदमी है तो गाँव को ज्यादा कर सो भाली। वास्तव में सरपंच पैसे लेते हैं? हाँ पैसे लाए हैं, रामबाई से पूछो, रामबाई देखो बांटे भी हैं। गांव वाले भी सरपंच पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गांव वालों की माने तो सरपंच बिना रिश्वत के कोई सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं देता। गांव वाले सरपंच से काफी परेशान हैं। यहां पर केवल विकास के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं, गबन किया जा रहा है सरपंच सचिव द्वारा, और इसमें अधिकारियों को भी मिली भगत है। और यहाँ पर स्थान है खेल माता का, यहाँ पर भी एक खेल मैदान दर्शा गया है, वो केवल कागजों पर बना हुआ है, जबकि यहाँ पर कोई नाम निशान नहीं है। और एक छोटे तालाब के यहाँ बताया गया है, तो यहाँ से कुल मिलाकर 2,000 की आबादी वाले गांव में इसमें 6 खेल मैदान, 7 मुक्तिधाम, 2 परकुलेशन टैंक, 40 CC रोड पुलिया निर्माण और 1 अमृत सरोवर योजना जो पंप हाउस के पीछे, जो कि वहाँ पर 15 से 20 साल पुरानी खदान थी और यहाँ के लोग वहाँ पर पत्थर निकालने का काम करते थे, जो कि अमृत सरोवर योजना के नाम से राशि निकाल ली गई है वो अभी 2022 में। और इन्हीं सभी पंचायत के कार्यों का हम लोगों ने आवेदन दिया लिखित ब्लॉक सीओ और जिला सीओ और कलेक्टर साहब के यहाँ। इतने काम जो आपने बताए हैं ये क्या वास्तव में है? वास्तव में ये केवल कागजों पर हैं, जमीन स्तर पर एक भी मौजूद नहीं है। 7 मुक्तिधाम में केवल 3 मुक्तिधाम बने हैं, वो भी अधूरे हैं, 4 का नामो निशान नहीं है। मामला मीडिया में आया तो अधिकारियों की नींद खुली। आनंद पानन में जांच टीम गांव में भेजी गई। अधिकारियों की माने तो सरपंच ने पानी की सप्लाई बंद नहीं कराई थी, बल्कि मोटर खराब हो गई थी। अब मोटर ठीक करा दी गई है और पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। गोगरा पला में मैंने जांच करवा ली थी, खबर आई थी कि पानी की सप्लाई बंद की गई है सरपंच के द्वारा जानबूझकर, बट उसमें सीओ ने जाके जांच की है, उन्होंने प्रतिवेदन भी भेजा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी की मोटर ख़राब हो गई थी तो कल ही वो मोटर ठीक होकर कल पानी की सप्लाई चालू हो गई, किसी प्रकार का इंटेंशनली बंद करने वाली कोई बात सामने नहीं आई। दरअसल पूरा मामला दमोह का है। यहाँ के घुघरा कला गांव में पिछले दिनों रामबाई ने पंचायत लगाई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के सरपंच पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और रामबाई ने तत्काल सरपंच को बुलाया और रिश्वत के पैसे वापस कराए थे। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट, MP तक।